पार्थ गोयल और आज की वीडियो में हम डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन जो कि क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर है उसका शॉर्ट रिवीजन करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा पूरा और 99% एनसीईआरटी कवर होगी। एक दो परसेंट जो कि ऐसी चीज़ें होती है जो ऑब्वियस होती हैं वो सब चीज़ें मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना आपके पास टाइम है। अगर आप नए हो चैनल पर तो ऐसी मेरी और भी वीडियोज़ हैं जो कि प्लेलिस्ट में डली हुई हैं तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डाइजेशन क्या होता है, देखो डाइजेशन एक मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है, दोनों है, ठीक है। मैकेनिकल मतलब कि जो स्टमक में क्या होता है एंजाइम में होता है वो बायोकेमिकल होता है, मैकेनिकल मतलब जो चर्निंग रहती है। फिर जो टीथ्स होते हैं हमारे तो थीकोडोंट होता है, डाइफायोडोंट और हेटरोडोंट। थीकोडोंट का मतलब कि हमारे पास जो टीथ्स हैं वो वेल फिटेड इन सॉकेट्स हैं, ठीक है। डाइफायोडोंट मतलब कि दो बार आते हैं और हेटरोडोंट मतलब कि अलग अलग टाइप के रहते हैं, जैसे कैनाइन है, मोलर है, प्री मोलर है, ठीक है। डेसीडुअस टीथ होते हैं, मतलब क्या है ये टर्म एनसीईआरटी में दी है और कई लोगों को पता नहीं रहती है तो इसलिए मैंने लिखी है। डेसीडुअस मतलब होता है कि परमानेंट नहीं होना, मतलब कि जो हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं उनको डेसीडुअस टीथ बोलते हैं, ठीक है। फिर फ्रेनुलम मतलब जो टंग हमारी अटैच होती है वो फ्रेनुलम से अटैच होती है नीचे की तरफ से, उसको फ्रेनुलम बोलते हैं। पेपिले हमारे टंग में होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा फूड का पैसेज कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले तो हमारा ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक। अब इसमें क्या रहता है कि जैसे ओरल कैविटी के बाद जब वो फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के बाद जब वो ईसोफेगस में गया तो एपिग्लॉटिस होता है जो कि उसको ले मतलब उसमें फूड वाइंड पाइप में नहीं आने देता, ठीक है, फूड को, तो एपिग्लॉटिस उससे बचाता है। फिर ईसोफेगस और गैस्ट जो हमारा स्टमक होता है उसके बीच में होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब हम आते हैं स्टमक पर। स्टमक के पार्ट्स होते हैं, ये ईसोफेगस यहाँ तक है, इसके बाद स्टमक चालू हो गया। तो स्टमक के सबसे पहले तो पार्ट है फंडस, ये जो ईसोफेगस जहाँ से आ रही है इसके ऊपर वाला पार्ट। फिर कार्डियक जो ईसोफेगस जहाँ पर खुल रही है। फिर बॉडी जो बची खुची है और जो पाइलोरिक जो कि लास्ट के एंड है उसको कहते हैं। स्टमक होता है जे शेप, ठीक है। अब आता है अपन ड्यूडेनम पे। ड्यूडेनम होता है सी शेप, यहाँ पर सारे सेक्रीशन होते हैं पैनक्रियाटिक और लीवर वाला, वो आगे पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, इतनी दिया है इंट्रोडक्शन में एनसीईआरटी में। इसके बाद हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो तीन पार्ट्स की बनी होती है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो होता है उसमें सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सीकम से निकलता है। अब आते हैं कोलोन पर। कोलोन के चार पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मॉइड, ठीक है। फिर सिग्मॉइड के बाद आ जाता है रेक्टम। अब हम आते हैं कि हमारी जो गट है उसके कितने ट्रांसवर्स अगर सेक्शन उसका लेते हैं तो किस टाइप से हमें लेयर्स मिलती है। सबसे पहली लेयर होती है सिरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और फिर म्यूकोसा और फिर ल्यूमन। एक उसका लेयर नहीं है, ल्यूमन हो गया। अब जो है मस्कुलरिस जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर। अब ये आप पूछोगे भैया सर्कल तो आपने आउटर बनाया तो आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्यों बोल रहे हो? आउटर लॉन्गिट्यूडनल क्योंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ऐसे एक पाइप डले हैं ये समझो, जैसे ये मेरी वो हो गई इंटरस्टाइन को मैंने ऐसे काटा तो ये जो पाइप थे ना वो तो क्या थे, पाइप की तरह थे और जो लॉन्गिट्यूडनल था वो ऐसे था। तो जब मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये तो मेरे को ऐसे बड़ा सर्कल दिखेगा और ये मेरे को छोटे 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 सर्कल की तरह दिखेंगे। अब हम आते हैं कि स्टमक में एक होती है ऑब्लिक मसल भी पाई जाती हैं और सब म्यूकोसा जो होती है उसमें नर्व, ब्लड और लिम्फ वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और जो म्यूकोसा होती है उसमें सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखा जाता है पूरे इंटेस्टाइन में, पूरे गट में। और जैसे वो गोब्लेट सेल में कन्वर्ट होता है, कभी गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, कभी क्रिप्स और लिवर कोन में होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना हो गया है, अभी हम पेज नंबर 260 तक पहुँच चुके हैं, इसके बाद मैं अगला आपको बताऊँगा। सो अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आता है, देखो तीन ग्लैंड हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है मतलब जो गट है उसके बाहर लगे रहते हैं, वो है सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास, बाकी सब अंदर ही काम है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा होता है सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और तीसरा होता है सब लिंगुअल, ठीक है। फिर आता है लीवर, लीवर का पता ही आगे बता दूंगा मैं, पैनक्रियास। अब लीवर में देखो क्या होता है, लीवर 1.2 से लेकर 1.5 किलो के बीच में रहता है, इसमें दो लोब्स होते हैं, इसमें जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको कहते हैं हेपेटिक लोब्यूल और उसकी कवरिंग को कहते हैं ग्लिसन कैप्सूल। लीवर जो है उसकी हेपेटिक डक्ट होती है जिससे कि वो ले जाता है, तो हेपेटिक डक्ट बनती है बाइल डक्ट से और सिस्टिक डक्ट से। सिस्टिक डक्ट आती है गॉल ब्लैडर से और बाइल डक्ट आती है लीवर से, तो ये दोनों मिलकर हेपेटिक डक्ट बनाती है। और जो कि पेनक्रियास की डक्ट से मिलकर हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, उसका जो
स्पिंटर रहता है हेपेटोपैनकेटी डक्ट का, उसको कहते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी। अब हम आते हैं डाइजेशन कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम सलाइवा पढ़ते हैं। सलाइवा में Na+ प्लस होता है, के प्लस होता है, सी एल माइनस होता है, एच सी ओ थ्री माइनस होता है, सलाइवरी अमाइलेज होता है, लाइजोजाइम होता है और बाकी ठीक है इतना रहता है। इसमें 30% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है जो अपन खाते हैं, और स्टार्च जो है वो सलाइवरी अमाइलेज ऐड करता है, उस पर पीएच होती है 6.8, एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, याद रखना है। इसके बाद अपन खाना खाया, फिर अपन कहाँ पर आएगा फूड, डाइजेस्टिव वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में आएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो है उसको स्टमक कहते हैं। उसमें तीन ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है म्यूकस नेक सेल, दूसरा होता है पेप्टिक सेल और उसका दूसरा नाम है चीफ सेल। अब देखो पेप्टिक मतलब क्या होता है, पेप्टाइड, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम, एंजाइम मतलब पेप्सिनोजन। तो पेप्टिक सेल क्या सिक्रीट करेगा, पेप्सिनोजन सिक्रीट करेगा। अब तीसरा सेल होता है जिसको कहते हैं ऑक्सेंटिक सेल, ठीक है, तो वो जो है सिक्रीट करता है HCl और कैसल इंटेंसिव फैक्टर। ऑक्सेंटिक सेल को ही पैराइटल सेल भी बोलते हैं। और जो है ये हो गया, अब 4 से 5 घंटे जो है हमारा स्टमक लेता है डाइजेशन करने के लिए। जो स्टमक में जब सब कुछ मिल जाता है, फूड के साथ सारे एंजाइम वगैरह सब मिल जाते हैं, उसको काइम कहते हैं। स्टमक में म्यूकस और HCO3- सिक्रीट होते हैं जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ में जो है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है रेनिन, रेनिन जो है बचपन में सिक्रीट होता है और इसका काम होता है मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करना। ये हो गया हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके बाद अपन नीचे उतरे, नीचे उतरे तो ड्यूओडेनम आएगा, पेनक्रियास वगैरह आएगा। तो पेनक्रियाटिक जूस आता है, उसमें 6 एंजाइम होते हैं। देखो पहला एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, तीसरा काइमोट्रिप्सिनोजन, चौथा लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियस। फिर आता है एंटेरोकाइनेज होता है एक एंजाइम जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट करती है, जो कि ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में एक्टिव फॉर्म ऑफ, ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक ब्रूनर ग्लैंड होते हैं जो कि सब म्यूकोसल होते हैं, जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं और हेल्प करते हैं लुब्रिकेशन वगैरह में। तो ये अकेले ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि सब म्यूकोसल होते हैं, बाकी सारे ग्लैंड क्या होते हैं, सब म्यूकोसल होते हैं। ये हो गया हमारा डाइजेशन हो गया। इसके बाद आता है कि जैसे हमारा स्मॉल, जैसे ड्यूओडेनम में मोस्टली डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो इलियम और जेजुनम में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद लगभग जो इल्यूसिकल वॉल्व है वहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। अब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का बूस्ट बताता हूँ। तो एब्जॉर्प्शन जो है ग्लूकोज अमाइनो एसिड और सी एल माइनस का होता है बाय डिफ्यूजन। ग्लूकोज अमाइनो एसिड का जो है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट से भी हो सकता है, जिसमें Na प्लस का कैरियर होता है और इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, पर जो Na प्लस है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये मेन याद रखने की बात है। और Cl माइनस का डिफ्यूजन होता है, ये मेन याद रखने की बात है। अब समरी जो है एब्जॉर्प्शन की मैं बता देता हूँ। तो माउथ में जो है ड्रग्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक में वाटर, सिंपल शुगर और एल्कोहल और मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी चीज़ लगभग एब्जॉर्प्शन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का होता है और ड्रग्स वगैरह का होता है। अब जो हमारा जो बाइल है उसमें बिली रूबिन, बिली वर्डिन, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड रहता है, जो बाइल जूस लिवर सिक्रीट करता है। अब डिसऑर्डर पे आते हैं। डिसऑर्डर में जॉन्डिस सबसे पहला है। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारा लीवर सही से काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे तरीके के जॉन्डिस होते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। तो उसमें बस ये समझ लो लीवर काम नहीं कर रहा होता है और येलोइश हो जाती है पूरी बॉडी। वॉमिटिंग में क्या होता है, हमारा जो मेडुला में एक वॉमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है, उसमें एक रिफ्लेक्स आ जाता है, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग हो जाती है। डायरिया में क्या होता है कि ना फीकल डिस्चार्ज की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ जाती है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमारे को जो फीकल बाउल मूवमेंट है वो हमारे होते नहीं है, क्योंकि हम लोग लो फाइबर खाना खाते हैं, तो जिसकी वजह से वो अच्छे से नहीं बन पाता है अंदर। इनडाइजेशन मतलब कि खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिसके कारण ये हो सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो या एंजाइम की कमी हो, ये सब। इसको भी क्लियर करने के लोग एंजाइम वगैरह भी लेते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो ट्रीटमेंट है वो ये कि फाइबर रिच खाना खाना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह। तो ये था पूरा डाइजेशन का शॉर्ट समरी, NCERT बेस्ड था पूरा का पूरा। और इसको आप अगर देखोगे नीट के लास्ट टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू।